नमस्कार दोस्तों, शांति श्रम न्यूज में आपनु स्वागत छे। चालो नजर करिए आज ना समाचार पर। शांति श्रम न्यूज नी चैनल ने लाइक अने सब्सक्राइब करो अने बेल आइकोन पर क्लिक करो। बनासकांठा जिल्लाना दियोदर पंथकना रविलनगर श्री शंखेश्वर प्रासवना जिनालय पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री अभयदेव सुरेश्वरजी महाराजा अने पूज्य आचार्य श्री मोक्षरत्न सुरेश्वरजी महाराजाना मार्गदर्शन तले शोभी रह्युं छे। आ जिनालयनो जीर्णोद्धार श्री रवेल जैन संघ द्वारा करवानो मनसूबो व्यक्त थता संपूर्ण लाभ सरदारपुरा रवेल निवासी सुश्राविका कांताबेन बालचंदभाई शेठ परिवारे लीधेल। जिनालयनुं खातमुहूर्त तथा शिलास्थापनानो अनेरो अवसर श्रावण सुद दसमना रोज पूज्य आचार्य श्री जगचंद्र सुरेश्वरजी महाराजाना शिष्यरत्न पूज्य गणिवर्य श्री प्रसन्नचंद्र विजयजी महाराजा तथा पूज्य साध्वीश्री गुणदक्षा श्रीजी महाराज साहेबना शिष्या पूज्य साध्वीश्री दर्शरण रत्ना श्रीजी महाराज साहेब आदिठाणानी पावन निष्ठामां उजवायो। सवारे पूज्य गुरु भगवंतो पालड़ी मीठी मध्यस्थी पधारता सामैया सह प्रवेश थयेल। बादमां पंडितवर्य भाईलालभाई शाहे विधि विधान करावेल। पूज्यश्रीना वात्सेप अने सह सुश्राविका कांताबेन बालचंदभाई शेठ परिवारे खातमुहूर्त करी धन्यता अनुभवेल। बादमां विजय मुहूर्ति आ परिवारे शिलास्थापन करेल। पूज्य गुरु भगवंतोए खातमुहूर्त तथा शिलास्थापननुं महत्व समजावी ज्यां सुधी संपूर्ण जिनालय निर्माण न थई जाय त्यां सुधी कंईक संकल्प राखवा परिवारजनोने जणावेल। बादमां परिवारजनोए आ प्रसंगे पधारेला दियोदर जैन संघ तथा पालड़ी जैन संघ तथा रवेल जैन संघना सौ सदस्योने परिवारना सुरेशभाई अशोकभाई राजूभाई अल्केशभाई तुषार चिराग कृणाल मोक्षेश ऋषभ आदिए सौने आवकारेल। पधारेला सौ मेहमानोनी नौकारशी योजायेल तेमज सवारे संघ स्वामी वात्सल योजायेल। रवेल जैन संघना दिनेशभाई नटूभाई वसंतभाई आदि सदस्योए सुंदर सहकार थकी यादगार प्रसंग योजाई गयो। आ प्रसंगे पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री हेमप्रभ सुरेश्वरजी महाराजाना परम गुरु भक्त राजूभाई शेठे सौ गुरु भगवंतो तथा रवेल जैन संघ अमारा परिवार उपर दर्शावेल उदारता अने अमारा परिवारने आ सुवर्ण अवसर आपवा बदल सौने वंदन करेल। पंडित वर्य भाईलालभाई शाह दिलीपभाई वालाणी सोमपुरा हरेशभाई आदिनुं बहुमान थयेल। पूज्य गुरु भगवंतो साध्वी भगवंतोए परिवारनी विनंती स्वीकारी उग्र विहार करी पालडीथी रवेल पधारी निश्रा प्रदान करवा बदल सवे अनुमोदना करेल।